आज दिया कल नहीं देगा तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम? देखिए एक भरोसा, एक ट्रस्ट बस बन जाता है। लेवल पे गया तो हम लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोग अपनी परेशानी पर लेवल पे शेयर करते हैं, नीचे लेवल पे तो कर नहीं सकते हैं सभी लोग। लेकिन ये बात करते करते ही जब वॉलेट खोला गया तो टीम परफॉर्मेंस और अपग्रेशन सबका इतना आने लगा कि शायद उनको ऑटो पुल में उतना नहीं आता जितना कि लोगों को अपग्रेशन और टीम परफॉर्मेंस में पैसा हिट किया। क्या गलत मैं बोल रहा हूं? इससे दोनों लोगों को सिस्टम ने मेंटेन किया कि नहीं किया? अपलाइन एंड डाउनलाइन, सीनियर एंड जूनियर दोनों को सिस्टम ने मैनेज किया या नहीं किया? पैसा तो सबके पास में चले गए, पैसा शायद चला गया इसलिए हम लोगों ने सुकून महसूस कर लिया। नहीं आया होता तो हम लोग भी शायद, सर ऐसा कैसे हो गया सर, उनको पहले और मेरे को बाद में? सर कंडीशन के हिसाब से गुड मैनेजमेंट का ये रोल होता है ना, एक एक व्यवस्था सर ना बहुत लाचार हो जाती है, उसका ब्लैकमेलिंग होने लगता है। व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए समय के साथ, हालात के साथ, यही एक मैनेजमेंट का रोल है। और हम लोगों ने कभी आज तक ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, इसलिए हम लोग एक ही व्यवस्था को पसंद करते हैं जो समय के साथ वक्त पे डिसीजन नहीं लिया कोई भी कंपनी या सिस्टम, उसकी हश्र आज क्या है आप देख लो, जाते हैं एमडी से एमडी और डर कर क्विट कर जाते हैं, सामना नहीं कर पाते। लेकिन इसका प्लान में भी कुछ ऐसी पार्ट है, कुछ ऐसा रहस्य है जो इसको अजूबा बना दिया। दोनों को सिस्टम ने मेंटेन कर लिया, डाउनलाइन और अपलाइन। और किसी प्लान में ऐसा होता साहब? और किसी प्लान में ऐसा होता बता दो मेरे को आप, कैसे सिस्टम ने दोनों को मैनेज कर दिया? रही बात सिस्टम में, भी वाकई में टेक्निकल अभी कमियां चल रही हैं, नो डाउट, वो दिखता है, जो दिखता उसको बोलना चाहिए। रोबोटिक भाई, रोबोटिक भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी प्रोग्रामिंग डालने के बाद उसको कंट्रोल करता है, प्रोग्रामिंग तो इंसान ही डालता है ना, चेंज करने का राइट है, उसको वो मेंटेन करता है, सर्विस देता है, मेन पावर के लोड को कंट्रोल करता है, फर्क तो इतना ही है। लेकिन प्रोग्रामिंग तो जनरेट कर सकता है ना। जब ऑटो पुल गया तो चलो डाउनलाइन को आ गया बाद में, पहले सीनियर को बाद में आया, कोई आया, लेकिन कुछ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों का पेमेंट होल्ड हो गया, सीनियर लोगों का, डाउनलाइन को पूरा मिल गया। मानते हैं कि आपको किसी रैंक में 100 डीपी आने वाले, 100 डीपी तो डाउनलाइन को आ गया, अपलाइन को 40 या 30 आके लगता हुआ प्रॉब्लम था, है आज भी उस पर काम चलता है और बहुत जल्द उस पर रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। सिस्टम ने यहाँ तक बात भी बोल दिया था कि अगर ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम सेकंड सॉफ्टवेयर को, आपने मैसेज पढ़ा था कि हम उसको फिर से जनरेट करेंगे, नया सॉफ्टवेयर फिर डेवलप करेंगे, उस पर डेटा को शिफ्ट करेंगे। लेकिन शायद कंट्रोलिंग उनकी बन रही है, कर रहे हैं, हमें उनको समय देना चाहिए। हालांकि हमारे परेशानी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे परेशानी दूर नहीं चलती, वो अपने प्लानिंग पर चलती है, अपने मिशन पथ पर चलती है। नहीं तो 2019 में जो हम लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया था, भाई साहब कॉपी प्लान आ गया, भाई साहब कुछ एक्स्ट्रा कीजिए सिस्टम, कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग को बीट कर जाए, चिल्लाते रह गए हम लोग, अति भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग गलत थे, सिस्टम सही था, सिस्टम ने साबित किया, बेशक एक साल सिस्टम को लगा, नो डाउट, साबित किया सिस्टम, किया कि नहीं किया, आपने देखा ही नहीं देखा, बहुत से लोगों ने बहुत बहुत गुणगान गा रहे थे, आरती उतार रहे थे, वो दबके पड़े हुए हैं, छिपके पड़े हुए हैं, क्यों? रुका हुआ है किसी किसी का, वो सिस्टम ने बोनांजा में भी माइनस किया, क्योंकि वो सिस्टम को था बोनांजा में भी कुछ कुछ लोगों का लीच हो गया है, कुछ लोग का गया था, कुछ लोग का रुका था, लगा कि भाई जब हम पार्ट ए में कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसको शायद सिस्टम ने डिसाइड लिया होगा
इसको सबको बैक कर लिया जाए और ये फ्रेश तरीके से इसको ठीक करके छोड़ा जाए, जो भी एक राउंड दो राउंड जो भी जाएगा उसके बाद से शायद वो सर्कुलेट हो जाएगा और ये बहुत जल्द होगा। समय तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। और जल्द का मतलब एक दो दिन नहीं होता है, एक दो सप्ताह भी नहीं होता है, थोड़ा सा हमें इसको कोऑपरेट करना चाहिए अगर हम इससे प्यार करते हैं तो। प्यार से दिखाने से नहीं होता है, जताने से होता है। कितना दिन सुने मेरे को आप जेब पर लोबाइन बोलते हुए, कितना दिन सुने आपको? जो चीज यहाँ पे है ना वो चीज यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। हर समय नहीं होता है, सिस्टम ने रोका हुआ है, सब जो रुका हुआ है वो भी आएगा 100%। 4.5 साल के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि आएगा। 1% हो सकता है कि मेरा गेस गलत हो जाए, मैं कोई भगवान तो नहीं, लेकिन जितना मैंने इसको समझने का प्रयास किया है ना, जितना भी मैं कभी परेशान हुआ हूँ, कभी देखे आप लोग, सबका मैं कॉल उठाने की कोशिश करता हूँ, जब भी समय रहता है सबको जवाब देता हूँ। क्या मैं परेशान नहीं हो सकता हूँ? क्या सिस्टम ने मेरे को कुछ विशेष बोनस दे दिया है? क्या उससे अच्छे पैसे लोगों ने बनाए, उससे बहुत अच्छे लोगों ने पैसे बनाए और मैं बहुत खुश रहता हूँ? ये इस प्लान की ताकत है कि यहाँ पे कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी नहीं है, हर बार ब्रेक हो सकता है, लेकिन जो लोग पैसे बनाए ना वो धीरज बना के रखे, सब्र बना के रखे, वो हवा में ना उड़े। हर इंसान का घमंड टूट जाता है, ये गांधी का झोंका पीछे से आएगा, तूफान का रूप लेगा और आपको पीट करके निकल जाएगा। ये लेवल प्लान की पावर होती है, लेवल प्लान में किसी को कमजोर मत समझिएगा। ये बाइनरी अधूरा प्राण नहीं है, ये लंगड़ा ही यहाँ पे हीरो रहेगा। यहाँ पे हारा हुआ बाजीगर आएगा और ऐसा बाजी मारेगा निकल जाएगा कि आपका रिकॉर्ड धुआं उड़ जाएगा। आपका रिकॉर्ड का उड़ा है ना, कितने लोगों का रिकॉर्ड धुआं उड़ा है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा सिद्धांत पे काम करता हूँ, मैंने कसम खाया था अपने जीवन में, बहुत मेरे से गलतियां हुई थी कि मैं एनवायरमेंट में हवा में नहीं बह जाऊंगा, मैं होश हवास में काम करूंगा। जब भी काम करूंगा जितना भी अर्न करूंगा उसका 1/4 रखने के बाद ही टॉप अप मारूंगा, चाहे साल भर क्यों ना लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझ में दम है, कभी भी मैं हाजी बारी को बाजू को लपेट लूंगा, कभी भी लपेट लूंगा। मेरे में स्टेमिना रहना चाहिए, ताकत रहनी चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कभी भी जीत लूंगा। लेकिन सेफ जोन में हूं तो बहुत रिलैक्स रहता हूं और रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है इस तरह के प्रोजेक्ट में पड़ा शिकार करने के लिए।